हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ। अभी मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है और ये मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये गरम करने रखा है मैंने, तेल गरम हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी, इसको तड़कने देते हैं थोड़ा सा। ये मैंने प्याज काट के रखे हैं, ये प्याज हरी मिर्च है, एक बड़ा प्याज और दो हरी मिर्च। फ्रेंड्स, अभी दिवाली गई है, त्योहार गए हैं, तो मीठा सब खा खा के और सब थक गए हैं। तो अभी आज कुछ चटपटा सा बनाने का मन हो रहा था, इसके लिए मैंने बैंगन मंगाए थे, भरते वाले बैंगन। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें से दो बैंगन खराब निकल गए, अब एक ही बैंगन बचा है। तो उसमें ही मैं एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मार्केट दूर है। ये देखिए, ये बड़े वाले बैंगन आते हैं ना भरते वाले, वो तीन बैंगन मंगाए थे, तीन में से दो खराब निकले, कीड़ा था उसमें, जबकि अभी बरसात भी नहीं है। फिर ये एक मैंने भून के और छील के रखा है इसको, तो इसी से करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट। तो अभी देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, नमक टेस्ट के अनुसार, हल्दी नहीं डालूंगी इसमें। अभी टमाटर डाल रही हूँ, ये एक बड़ा टमाटर है। नमक डाल चुकी हूँ मैं पहले, ये थोड़े से मटर हैं मेरे पास सफल के, वो भिगो के रखे हैं। और ये फ्रेंड्स अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये मैंने लाल मिर्च दो गर्म पानी में भिगो के रखी थी, और दो कलियाँ लहसुन की इसमें ऐड करी थी। तो ये मिर्च मैंने पीस ली है, ये कलर देने के लिए भरते में, और थोड़ा तीखापन भी आता है इससे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको भी मिला देती हूँ मैं। फ्रेंड, ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च का पेस्ट, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये तीन चीज़ें डाल दी हैं तीखापन करने के लिए। अब ये जो मेरे पास थोड़े से मटर पड़े थे सफल के, ये डाल दूँ मैं। अब मेरे को जो मसाले डालने हैं इसमें, ये मैं डाल लेती हूँ। मसालों में हल्दी नहीं डालूंगी इसमें, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मिर्च वैसे ही ऑलरेडी हमने बहुत डाल दी है, तीखा वैसे ही बहुत हो जाएगा ये। अब जो ये एक बैंगन बचा था, ये मैंने करके रखा है, भून के रखा है इसको, छील के वो डाल देती हूँ मैश करके। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। जो ये बैंगन का पल्प है, ये अच्छे से इसमें, ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया इसमें। अब हम इसको इंडक्शन को स्लो कर देंगे एकदम, और इसको ढक देंगे। अब इसको कम से कम नहीं तो 10 मिनट बाद मैं देखूंगी, तब मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये भरता हो चुका है मटर वाला हमारा, एकदम रेडी। मटर देख लेती हूँ, मटर भी गल चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए भरते की, मटर वाले भरते की, तो आप लोग भी बनाइए फ्रेंड्स। अभी मुंह तो बहुत लोगों का सबका मीठा मीठा हो रहा है, तो थोड़ा चटपटा भरता बनाएंगे, पराठे इसके साथ बनाएं, नान बनाएं, रोटी बनाएं, कुछ भी बनाएं, बहुत अच्छे लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।